सेलिंग करने का कारण ये था। इसमें देखिए JSW में तो हम लोग ऐसे पैटर्न बहुत सुबह में एकदम बियरिश बना हुआ था मार्केट और साइडवेज चला। ये कैंडल यहाँ गया, ये एक छोटा सा कैंडल बना, ये कैंडल निकल रहा था 50 EMA को ब्रेक कर रहा था, तो हम यहाँ सेल किए हैं लगभग थोड़ा देर पहले। और मेरा क्वांटिटी अपना स्टॉप लॉस देखकर ये 20 क्वांटिटी उठाए हुए हैं JSW में। और टारगेट फर्स्ट ये अचीव करने की कोशिश करेंगे, सेकेंड हमारा टारगेट S1 है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, जितना ये मार्केट इतना दूर मूव किया, ये मार्केट इतना दूर मूव करेगा तो देखा जाए। टारगेट लगता है 1:2 का हम लोग का मिल जाएगा। तो एक मिनट बना लेते हैं 1:2 का। ये देखिए मार्केट यहाँ पर ही, ये स्टॉप लॉस मेरा है 3.40 रुपये का, 6 रुपये का टारगेट बनाएंगे 1:2 का। जी देखिए 1:2 ये लेवल हम लोग का आराम से मिल जाएगा। तो देखते हैं मार्केट में देता है या नहीं। अब मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, मार्केट चल रहा है देख रहे हैं, स्टॉप लॉस अभी नहीं लगा है। तो देखते हैं क्या होता है JSW में, बहुत अच्छा से मूव कर रहा है। और एक हल्का सा ये ब्रेकआउट हम लोग को दे दिया जाएगा, दे देगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसको ब्रेक कर दे सीधे, ये लेवल थोड़ा सा होल्ड करने का कोशिश करेगा। यहाँ पर टारगेट कितना का हिट होगा, या स्टॉप लॉस ये रखा होगा जो बाय किया होगा ऊपर के लिए, कितना का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा जो ये ब्रेक करेगा तो और तेज़ी से मार्केट नीचे की ओर बढ़ेगा। तो देखा जाए क्या होता है, लेने डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए मार्केट JSW का। ये देखिए पिवट बंद करो, ये बुलिश हुआ था, ये रिटेस्ट यहाँ तक आने का उम्मीद है 560 तक। आज मार्केट 560 तक आने की कोशिश करेगा, क्लोजिंग हो जाएगा जल्दी ही तो दिक्कत हो जाएगा, मार्केट बुलिश नहीं जा पाएगा, बेयरिश ही मोड में है। तो गाइस देखा जाए मार्केट में, ये देखिए ये सपोर्ट ले गया है मार्केट, तो हम लोग तो बेयरिश हैं, तो देखेंगे फिर अचीव करेगा इसको ब्रेक, देखिए करता है कि नहीं। जितना लोग बाय किए होंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस दिए होंगे, ये सब स्टॉप लॉस लगा होगा कितना का, ये स्टॉप लॉस होगा। तो देखा जाए मार्केट में ये कौन सा कैंडल मॉर्निंग स्टार जैसा ना बने, बस अब 15 मिनट पर देखा जाए तो अच्छा ही से कैंडल क्लोजिंग किया है ये लेवल के, ये सब लेवल के नीचे क्लोज किया है। देखा जाए तो ये RSI देख लीजिए, ये लेवल तो निकाल दिया है RSI बेयरिश से मार्केट, तो आराम से हम लोग बने रहेंगे मार्केट में अपना स्टॉप लॉस यहाँ का डालकर, ठीक है पुट कर देंगे स्टॉप लॉस अपना इस लेवल का, ठीक है। तो आपको बता देते, देखिए मार्केट एक बार ब्रेकआउट देकर ये लेवल पर रीटेस्ट लिया, देखिए ये बाय हुआ कस के रीटेस्ट हुआ, ये कैंडल हम लोग नीचे यहाँ पर क्लोज कर देता है तो सबसे बेस्ट हो जाएगा और हम लोग सेलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे और टारगेट भी आराम से हिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 मिनट के अंदर क्लोजिंग होगा, उसके बाद मार्केट हम लोग के लिए सेलिंग के लिए ये बस इस लेवल के नीचे जैसे ही क्लोजिंग कस के और प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा सेलिंग की ओर। ओके, तो देखा जाए क्या होता है, पोजीशन आपको दिखा दें, फिर से वहीं पर ही आ गए हम लोग 50% पर। इसमें ऑप्शन नहीं है कि टाइम डी क्यों होने लगता है तो ऑप्शन का प्रीमियम टूटे लगता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से चलेगा। जितना भी लोग बिगिनर है वो स्टॉक ही करें, सबसे बेस्ट उनके लिए यही है, और प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें मार्केट में, उसके बाद ऑप्शन आराम से करें, आराम से उनको प्रॉफिट होगा, आराम से ये सब कुछ होगा। तो हम तो सोचें इसी टाइप का हमेशा आप वीडियो आप लोग के लिए बनाएं और बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा होगा, कैसे बाय करना चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको सीखने को वीडियो में मिलेगा। तो आपको शायद हफ्ता में एक दो तीन वीडियो आराम से जिस दिन ट्रेडिंग करेंगे उस दिन का अपलोड करेंगे आपको।
तो गाइस देखा जाए तो हम लोगों ये लेवल के नीचे तक आ चुका था। थोड़ा मार्केट नहीं देख रहे थे, थोड़ा सा नींद टाइप का लग रहा था। तो ये ब्रेकआउट दे दिया और रिटेस्ट कर रहा है 15 मिनट में। देखा जाए मार्केट, ये 2 मिनट के बचाओ, ये बेरी से इधर क्लोज करता है 200 ये में आराम से S1 तक हम लोग को टारगेट आराम से मिलेगा, तो वो अचीव करेंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक, स्टॉप लॉस और हम लोग टाइट कर लेंगे और ये लेवल का 0/0 का कर लेते हैं स्टॉप लॉस, बना लेते हैं इस लेवल का स्टॉप लॉस, कर लिया जाए यहाँ का। ठीक है, यानी 571 रुपये में स्टॉप लॉस हम लोग पुट कर लेंगे अपना। तो ये अचीव करने का, S1 अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्लोजिंग देख लिया जाए इसका कैसा क्लोजिंग हो रहा है, 2 मिनट बाकी है और कस के बेरिस हो सकता है क्लोजिंग। 50 EMA के ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस अब रहेगा हम लोग का। ओके, अचीव होने वाला है, 35 सेकेंड में क्लोज होगा ये लेवल के आसपास, तो हम लोग निकलेंगे 200 EMA पर। देखा जाए ये टच हो गया है, अब हम लोग आराम से निकलते हैं मार्केट को और छोड़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का टारगेट अचीव हो चुका है, तो एग्जिट करेंगे। लिमिट लगाकर और ये देख लेते हैं, उसके बाद निकला जाएगा। क्लोजिंग इसका देख लेते हैं उसके बाद। ये लेवल S1 तो टच होगा ही, ये अगला कैंडल मूव जैसे आएगा नीचे की ओर वैसे हम लोग कट कर देंगे ट्रेड को। तो बने रहें, देखिए यहाँ से हम लोग मार्केट को यहाँ तक ला चुके हैं करीब का परसेंट। इस लेवल से 1.53 ला चुके हैं। ठीक, तो आराम से हम लोग ये लेवल का, ये 562.10, 562.10, 62.10 लगाकर निकलेंगे। तो वेट करते हैं, मार्केट में टारगेट तो देगा ही, S1 तो आराम से टच होगा, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। और देखा जाए एक तरह से ऐसे ये टारगेट टच हो चुका है, 9 मिनट बाकी है। रिजेक्शन खा के यहाँ तक भी आ सकता है। ये 200 EMA हम लोग का अचीव हो चुका है मार्केट में। देखते हैं 5 मिनट क्या कैसा बनता है कैंडल, उसके बाद निकलते हैं हम लोग। लगा दिया जाए लिमिट, बाय कर लिया जाए। ये लेवल चल रहा है 560, चल रहा है 70, 10, जैसे टच होगा उसे निकल जाएंगे हम लोग। देख लेते हैं, और ऊपर उठ रहा है, देखते हैं डोजी बनता है तो वेट करेंगे, बाकी तो कट करेंगे ट्रेड। तो से देखा जाए डोजी टाइप का है, वीक वीक इतना तो निकला ही होगा भाई। जैसे ये कैंडल टारगेट दे देगा हम लोगों को, ऑप्शन में तो आदमी के टारगेट के पास आता था हाथ कांपे लगता है कि निकले वेट करें क्या करें रुक जाएं। फिर ये जाता है कैंडल, इसमें निकलता है लोग बहुत सारा, है ना। कमेंट कीजिएगा जो इसे निकलता है वह इस कैंडल में। निकल गया हम लोग का, आवाज कर गया, टारगेट हिट हो गया मार्केट में। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट कहीं भी जाए, हम लोग को जो 562 था वो मिल गया, अचीव हो गया टारगेट। अब हम लोग चलने देते हैं, अब कहीं भी जाए मार्केट आराम से छोड़ देंगे। तो कुछ आज का प्रॉफिट 172 रुपये रहा, जिसमें से टैक्स 30 रुपये कट जाएगा, यानी लगभग 140 रुपये तक अकाउंट में आ जाएगा। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय मेरे दोस्त, बाय।